टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की ड्रीम कार टाटा नैनो अब जल्द ही इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। टाटा मोटर्स ने यह साफ कर दिया है कि नैनो कार को BIS4 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नैनो कार के लिए अब टाटा मोटर्स कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगी और इसकी बिक्री और उत्पादन अप्रैल 2020 तक बंद हो जाएगा। कंपनी के एक टॉप अधिकारी ने ये संकेत दिए हैं। टाटा मोटर्स के मुताबिक इस समय नैनो का प्रोडक्शन गुजरात के सांडद प्लांट में हो रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से BIS4 स्टैंडर्ड्स के लागू होने के बाद इसे अपग्रेड नहीं किया जाएगा। टाटा नैनो के अलावा दूसरे मॉडल के भी बंद होने के संकेत हैं, जो इन मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके खास मॉडल के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। रतन टाटा की इस ड्रीम कार को 2009 में लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआती कीमत महज 1 लाख रुपये थी। इस कार को लोगों का बेहतर रिस्पांस मिला था। रतन टाटा ने इसे टू व्हीलर पर सफर करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 के बाद BIS4 के अलावा दूसरी कारों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। 3 साल पहले टाटा मोटर्स की यात्री कार सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी 2.8% थी। कंपनी का साल 2021-22 तक नए वाहन उतारकर बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य है। कंपनी के मुताबिक देश में कार की बिक्री के मामले में पिछला त्योहारी सीजन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बाजार में नकदी का संकट था, जिसकी वजह से लोगों को लोन मिलने में कुछ मुश्किल आई। हालांकि उनके पास इलेक्ट्रिक वाहनों को विकसित करने की तकनीक है, लेकिन देश में पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है। अब देखना होगा कि टाटा नैनो के इस फैसले से उसके कारोबार पर क्या असर होगा।